हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एस जी पी डिस्कवर में। दोस्तों, ये जो साउंड बॉक्स है मतलब ब्लूटूथ स्पीकर, ये ख़राब हो गया। इसका चार्जिंग बेस बोर्ड से अलग हो गया मतलब टूट गया, तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ। अब सुन सकते हैं। ब्लूटूथ मोड, लो बैटरी, प्लीज चार्ज, पावर ऑफ। तो जैसे कि आपने सुना दोस्तों कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए बैटरी अभी लो है और ये अपने आप बंद हो गया। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसका स्क्रू मैंने निकाल लिया, बाहर चार स्क्रू रहता है और ये ब्लैक वाला पार्ट जो है उसको मैं ओपन करता हूँ। अभी बहुत सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि कुछ टूट ना जाए। तो मैंने इसको निकाल लिया। अब यहाँ पर दो एलईडी लाइट लगा हुआ है जो बहुत अच्छा लाइटिंग करता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमने इसको निकाल लिया और इस वाला पार्ट को मैं अभी साइड में रख रहा हूँ। अभी जो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर दो स्पीकर लगा हुआ है जिसमें 8 स्क्रू है। अब हम इसको खोलेंगे। ये बहुत ही एक पुराना मॉडल का साउंड बॉक्स है लेकिन इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो स्पीकर है वो मैंने बाहर निकाल लिया। फिलहाल जो वायर है हम उसको काट देंगे कटर से, क्योंकि जहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरे पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है, इसलिए मैं इसको कटर से अभी कर देता हूँ। अगर आप लोगों के पास सोल्डरिंग आयरन अवेलेबल है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो अंदर वाला पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बैटरी है यहाँ पर। ये वाला दोस्तों देख सकते हैं, ये जो चार्जिंग बेस है वो अलग हो गया और अंदर ही छूट गया। अब जो इसका बोर्ड है मेन बोर्ड, उसको मैं बाहर निकालूंगा और जो चार्जिंग बेस जो छूट गया मैं वहाँ पर उसको सोल्डरिंग करूँगा और ये ठीक हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये बैटरी कनेक्टर जिसको मैंने रिमूव कर लिया, और ये वाला जो वायर मैंने अभी काटा है स्पीकर का, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। दोस्तों ये ऊपर वाला जो मैं वो वाला हिस्सा जो मैं अभी खोल रहा हूँ वहाँ पर दो साइड में दो स्क्रू लगा हुआ है। आप चाहें तो इसको को निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही खोल रहा हूँ। अब जो ये वायर है इसको रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं यह है स्विच, यह है मेन बोर्ड, देख सकते हैं दोस्तों आप। यहाँ पर ये जो चार्जिंग बेस था वो अलग हो गया था और चार्जिंग बेस को हम बोर्ड में सोल्डरिंग करने से पहले इस जगह को कुछ ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर चार्जिंग बेस अटैच होने वाला है उसके ठीक अपोजिट साइड में ही यूएसबी पोर्ट है, इसलिए हमको ये जो चार्जिंग बेस है इसको ऐसे यहाँ पर सोल्डरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइड में हम तो सोल्डरिंग आयरन को टच नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो काम अभी हो रहा है, ये सिर्फ जो चार्जिंग बेस है वो हम बोर्ड से अटैच कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो फिर ये ऐसे ही निकल जाता है। ये जो काम है ये बहुत ही बारीकी से करना चाहिए, नहीं तो ये बार बार टूटता रहेगा और परेशानी आपको ही होगा, क्योंकि जिस किसी का भी आप ये काम करोगे अगर फिर से वो डिस्टर्ब करता है तो आपके पास ही आएगा, तो प्रॉब्लम आपको ही होगा, एक ही काम बार बार करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी इस तरह का बेस को आप सोल्डरिंग करते हो तो बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए,
वो ख़राब तो हो सकता है लेकिन वो टूट ना जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह बोर्ड से कनेक्टर को सोल्डरिंग कर दिया। अब जो मेन कनेक्शन है वही मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो चार्ज नहीं होगा। कुछ पिन यहाँ पर अगर शॉर्ट हो जाता है तो बोर्ड को प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ही सावधानी से ये काम करना पड़ता है। ये मैंने कर लिया। अब मैं चार्जर को कनेक्ट करूँगा और मीटर से देखूँगा कि आउटपुट वोल्टेज क्या हमको मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है बिल्कुल ही परफेक्ट है, 4.09। मतलब ये जो बोर्ड है अभी रेडी हो गया इस्तेमाल के लिए। अब ये चार्ज भी होगा ठीक ठाक से। तो मैंने फोकसिंग कुछ मीटर पे करता हूँ, आप फिर से देखिए। बहुत ही खुशी मिलता है दोस्तों जब हम कोई काम करते हैं और उसको हमको कामयाबी मिलता है। ये कनेक्टर मैंने ठीक से यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया। अब हम इस बोर्ड को असेंबलिंग करेंगे और टेस्ट भी करेंगे स्पीकर को। तो दोस्तों ये जो स्पीकर है ये बहुत ही पुराना मॉडल का है लेकिन इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। यह है बैटरी कनेक्शन जो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। उसका साइड में दो स्पीकर का कनेक्शन है, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। और उसके बाद दो एलईडी लाइट का जो कनेक्शन है वो है जो मैं कनेक्ट अभी कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब हमें स्पीकर को जो मैंने खोलने का टाइप कटर से कर दिया था अब हमें उसको सोल्डरिंग करना है। तो चलिए सोल्डरिंग करते हैं दोस्तों। सोल्डरिंग करने के समय बहुत ज़्यादा रंग का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ज़्यादा रंग इस्तेमाल करने से सोल्डरिंग अच्छा नहीं होता है। तो ये जो स्पीकर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं देखने में तो काफ़ी छोटा है लेकिन इसका साउंड बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है लगभग मैंने पूरा कर लिया। अब हम चलेंगे इसको टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा? अगर कोई काम का हो वीडियो आपका तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और कोई अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू। Bluetooth mode. Connected.